आज मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग इकट्ठा हुए और वह निर्णय हुआ कि दिल्ली कूच करो। 50,000 लोग ऑलरेडी पहुंच चुका है गाजीपुर के धरने में, और ये जो हरकत आज हुई है यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे जो हरकत कराई गई है, इसकी पूरी सूचना मेरे पास है। इस तरह की घटना कल गाजीपुर में घटी या आज यहाँ पुलिस ने की, यहाँ के आरएसएस बीजेपी ने की, उसकी निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन ये चेतावनी भी देते हैं कि आपकी हर इस तरह की घटना जो शरारतमयी है और जो हमारे बीच कुछ फूट डालने की है, डराने की है, धमकाने की है, वो जनता में रोष पैदा कर रही है, और उस रोष के मारे हुए लोग जो हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में यहाँ आ रहे हैं और लाखों तक ये पहुंचेंगे। किसान इस देश का क्या कह रहा है, मुझे बंद करो या मेरी जुबा को बंद करो, मेरे ख्यालों को भेड़िया पहना नहीं सकते। मेरे अंदर जो ख्याल है, इंकलाब का ख्याल है, देश के पीड़ित किसान का ख्याल है, उसको कैसे हम बुला सकते। पूरी ताकत के साथ देश का किसान इस बात को समझ गया है, और समझने के बाद ये इतने बैकफुट पर जाएंगे कि पूरा देश इन पर थू थू करेगा। जो बीजेपी आरएसएस का दमन इस आंदोलन को खत्म करने की, प्रभावित करने की जो नाकाम वो कोशिश कर रहे हैं, उसका हम संयुक्त मोर्चे की तरफ से, भारत के सभी भाईचारों की तरफ से, किसानों मजदूरों की तरफ से उसकी सख्त निखेधी करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार। आज की हमारी मीटिंग में हमने जो फैसले लिए, सबसे पहले तो कल का जो घटनाक्रम था जो गाजीपुर में हुआ, वहाँ से हमारे पास युद्धवीर जी बैठे हुए हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं वहाँ के बैठे हुए लोगों का, जिन्होंने अपने हकों के लिए बैठे हुए लोगों की तर्जमानी की। राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के किसानों को खड़े करने की बात की, बड़ा जिगरा दिखाया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा, आज हमने फैसले जो लिए वो हम 30 तारीख को सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल रखी जाएगी। मैं फिर दोबारा बोल दूं, 30 तारीख को लीडर्स रखे, 30 तारीख को हम सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे लीडर साहबान भूख हड़ताल रखेंगे। उसके आगे आप देख रहे हो जो बीजेपी आरएसएस का दमन इस आंदोलन को खत्म करने की, प्रभावित करने की जो नाकाम वो कोशिश कर रहे हैं, उसका हम संयुक्त मोर्चे की तरफ से, भारत के सभी भाईचारों की तरफ से, किसानों मजदूरों की तरफ से उसकी सख्त निखेधी करते हैं। उनको इन छोटी बातों से बाज आना चाहिए, ये देश के लोगों का आंदोलन है। 75-80% लोगों के पेट का सवाल है। यहाँ पर जाति
धर्म रंग इसका सवाल नहीं। बहुत रोटियां सेक ली इस देश में धर्म के नाम पर। अब उन्हें सोचना चाहिए कि ये देश हर वर्ग इसमें खाना खाता है, उसको भूख लगती है, खेती करता है, मजदूरी करता है। अब ये बात आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की वो आदत छोड़नी होगी उन्हें। ये लोग सभी वर्गों के धर्मों के लोग ये देख रहे हैं उनकी ये बातें। उसके बाद 30 तारीख को हम पूरे भारत में भूख हड़ताल की अपील कर रहे हैं। सभी को इस भूख हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हैं। सो ये जो फैसले हमने लिए, 26 तारीख का जो षड्यंत्र था वो देश के सामने बेनकाब हो गया। कल सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। वो 26 तारीख में उनको ये गफलत थी कि 26 तारीख में वो इस तरह की हरकत करा के और इस धरने को खत्म कर देंगे। और कल उन्होंने उसका प्रयास शुरू किया। आप सभी को उसके परिणाम आपने देखे। मैं तो धन्यवाद दूंगा इन बीजेपी के लोगों का, ये 2-4 दफे और आ जाएं धरने पे। कल बीजेपी के 2 विधायक वहां पे अपने हजारों लोगों को लेके आए थे, उसका रिएक्शन आज पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा। आज मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग इकट्ठा हुए और वह निर्णय हुआ कि दिल्ली कूच करो। 50,000 लोग ऑलरेडी पहुंच चुका है गाजीपुर के धरने में। और ये जो हरकत आज हुई है यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे जो हरकत कराई गई है, इसकी पूरी सूचना मेरे पास है। लोगों को गांव में सरकारी कर्मचारियों को भेज भेज के गांव से बुलाया गया और यहाँ पे लाया गया, मंच पे चढ़ाया गया। जब पुलिस प्रोटेक्शन है, रास्ते बंद है, 500 गज की से ज्यादा की दूरी पे बैरिकेटिंग है, उसके बाद मंच पे किस तरह से वो लोग आगे। ये सरकार कहीं गलत फहमी की शिकार है। आज ये संदेश फिर गया किसान में। कल के संदेश से 1,00,000 आदमियों की भीड़ जुटी है, आज के संदेश से फिर जनसैलाब बढ़ेगा। ये रुकने वाला नहीं है। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह का, और हम तो इनको ये गफलत है। किसान तो खून को देख के किसान का खून खोलता। किसान खून से डरता नहीं है, किसान किसी गोली से नहीं डरता है। किसान वो, ये वो किसान है जो खेत देश का पेट नहीं भरता, उस पेट भरने के साथ साथ देश की सुरक्षा भी करता, अपने बेटे देता है वहाँ पे। हमारे घरों पे तिरंगे का, ये तिरंगे का हमको बता रहे हैं, हमारे बच्चे तिरंगे में लिपट के, हजारों बच्चों की हम उनकी डेड बॉडियां रिसीव करते हैं। हमसे बड़ा तिरंगे का सम्मान कौन करता होगा। ये हमको तिरंगे की सीख दे रहे हैं, हमको तिरंगे की बात बता रहे हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा पकड़ा नहीं, जिनको तिरंगा पकड़ने का परहेज रहा, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिनके मुख्यमंत्री अपना संघ का झंडा लहरा के राष्ट्रीय गान कराते हैं, उनको हमें शिक्षा देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम जानते हैं तिरंगे की कीमत, हम जानते हैं, हमसे पूछो। हमारे हर गांव में, मतलब अधिकांश परिवारों में कोई ना कोई बच्चा वहां से बॉर्डर से लिपट के आता है तिरंगे में। ये इस तरह की घटिया हरकतों से बाज आ जाएं, ये किसान और ये देश समझ गया। अभी तो ये मौसम था, मौसम बदल रहा है, बसंत का मौसम आ रहा, फसल हम बो के आए थे, बैसाखी के बाद कटेगी बिल्कुल फुर्सत में। बैसाखी तक हमको काम नहीं है, बैसाखी पे खेत में जाके कटाई करनी है, तब तक के लिए तैयार होके आए और जरूरत पड़ी तो आगे भी चलेंगे। इस धैर्य से किसान यहाँ बैठा, सरकार अपनी गफलत निकाल दे, सरकार बाज आए अपनी इन ओछी हरकतों से और इसका समाधान ढूंढे। ऐसा ही मैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को अपना संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, सत्य जो है वो कभी पराजित नहीं होता और असत्य की आयु बहुत छोटी होती है। असत्य धीरे धीरे अब देश की जनता के सामने आ रहा है और जब जनता के सामने स्पष्ट होगा कि 2 और 2 5 नहीं हो सकता, तो दोनी ताकत के साथ, कई गुनी ताकत के साथ ही आंदोलन पूरे राष्ट्रव्यापी
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। बंधुओं, एक षड्यंत्र है, 65 दिन की ये जो हमारी आंदोलन है हमारा, इसमें ये टर्न आया है। ये हमने बहुत जीवन में देखे हैं कि बड़े बड़े आंदोलन लंबे चलते हैं तो एक टर्न आता है, और कहीं ना कहीं सत्ता के षड्यंत्र का, कुचक्रों का कई बार एक शिकार होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने आरोप लगाए हैं, हम सबको आरोपों पर खड़े उतरे हैं। ये थोड़ा बड़ा झटका दिया जिसमें हम को उन्होंने डैमेज किया है, पर आज देश का किसान समझ गया है वो हमारे लोग हैं। उस समय के लिए वो भ्रमित हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो समझ गए हैं कि सत्य क्या है। सत्य ये है, आज यह नेट बंद है, नेट बंद होने के कारण यहाँ से आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है, कोई चैनल वाले यहाँ से लाइव नहीं कर पा रहे हैं। हम देश के सामने सत्य को उजागर ना कर सके इसके लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की है। तो ये जो व्यवस्थाएं की है, कब तक तुम इसको दबाओगे? नेट बंद करके हमारी आवाज को बंद कर दोगे क्या? किसान इस देश का क्या कह रहा है? मुझे बंद करो या मेरी जुबा को बंद करो, मेरे ख्यालों को बेड़ियां पहना नहीं सकते। मेरे अंदर जो ख्याल है, इंकलाब का ख्याल है, देश के पीड़ित किसान का ख्याल है, उसको कैसे आप बुला दोगे? पूरी ताकत के साथ देश का किसान इस बात को समझ गया है, और समझने के बाद ये इतने बैकफुट पर जाएंगे कि पूरा देश इन पर थू थू करेगा। जो एजेंसियां काम कर रही हैं हमारे खिलाफ, वो हम सबको बेनकाब इस देश की जनता और किसान करेगा। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, ये बात इंटरनेट बंद है आपको भी पता है, और हम डिमांड करते हैं कि जहां जहां भी संघर्ष हो रहा है उस इंटरनेट को बहाल किया जाए, वरना लोग जो है इसके खिलाफ भी अपने प्रदर्शन देश में शुरू करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज आपको कल तक पता चल जाएगा, गाजीपुर का तो आपके सामने आ गया है कि लाखों लोग आ चुके हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर, यहाँ भी बड़े पैमाने से लोग हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, सब राजस्थान से, सब जगह चल चुके हैं। और जैसा 26 नवंबर को था, मैं आज कल डेमोंस्ट्रेशन में देखे हैं हम सब लोग, कि उससे दुगना तो पहले ही है, और दो दिन के बाद ये और भी बहुत ज़्यादा, अभी पता चला कि 800 ट्राली जो है वो मोहाली से चल रही है, इसी तरह 1000 जो गाड़ियां हैं वो लुधियाना से चल रही हैं। तो ये जो अभी लोगों के अंदर जिस तरह की घटना कल गाजीपुर में घटी या आज यहाँ पुलिस ने की, यहाँ के आरएसएस बीजेपी ने की, उसकी निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन ये चेतावनी भी देते हैं कि आपकी हर इस तरह की घटना जो शरारतमयी है और जो हमारे बीच कुछ फूट डालने की है, डराने की है, धमकाने की है, वो जनता में रोष पैदा कर रही है, और उस रोष के मारे हुए लोग जो हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में यहाँ आ रहे हैं, और लाखों तक ये पहुंचेंगे, जैसे 26 को कहते इससे कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हम सरकार को एक तरह का चेतावनी देना चाहते हैं कि बाजाओ इन अपनी हरकतों से, लोग बैठे हैं, इनकी डिमांड्स को मानो जो शांतमयी बैठे हैं, हम शांतमयी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये हम आह्वान करते हैं पूरे देश के लोगों को कि आओ शांतमयी संघर्ष में शामिल हो, और जो भी कॉल्स संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, और जनतक एक दबाव बनाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए, जो कर रहे हम, कुछ दिनों में ही सरकार फिर अपना जो उसको मजबूर होगा कि इस जन सैलाब के सामने वो किसानों की मांगे मानने के लिए विवश होगी। यही हमारा अपील है पूरे देश के लोगों को। धन्यवाद। पत्रकार भाइयों, आपको मालूम होगा कि किस तरह से 26 जनवरी के जो एक षड्यंत्र रचा था सरकार ने और आरएसएस बीजेपी ने, वो एक्सपोज तो हो गया, लेकिन एक कैंपेन सारे हरियाणा में खास तौर पर लगाई गई, चलाई गई कि पंजाब और हरियाणा के किसान में दरार डालने की। मैं धन्यवाद देता हूँ हरियाणा के किसानों को, उन्होंने इस बात को समझकर सरकार के एक नए षड्यंत्र को स्मेल करके उन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ आना शुरू कर दिया है।
आने वाले दिनों में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हर नाके पे किसान पहुंचेंगे और हम मजबूर करेंगे सरकार को कि वो फिर किसानों की मांगे माने। और मैं गुरुद्वारा शीशगंज के सामने बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जो प्रदर्शन किया वो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि ये सरकार इसको कोई शर्म नहीं या नहीं, वो इसको हिंदू सिख मसला बनाना चाहती है, जो हम नहीं बनने देंगे। हिंदू और सिख भाई भाई हैं और भाई भाई की तरह ही रहेंगे। उसको सरकार को आरएसएस को बीजेपी को बाज आना चाहिए। देश सबका है, इस देश में सबको शांति से रहने का हक है और सभी को उन्हें लोगों को बहकाना नहीं चाहिए झूठ बोल के, अफवाहें फैला के समाज में गड़बड़ी ना नहीं करवानी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।